हाय, मेरा नाम रवि ढींगरा है। इस वीडियो में मैं फोकस स्टैकिंग या फोकस ब्रैकेटिंग के बारे में बात करूंगा। मेरे ट्राइपॉड के वीडियो में मैंने इस टर्म को यूज़ किया था, फोकस स्टैकिंग या फोकस ब्रैकेटिंग। तो मेरे पास काफ़ी क्वेश्चन आए, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा है कि फोकस स्टैकिंग का हमारे फोटोग्राफी में क्या यूज़ है और हम इसे कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं उसी प्रोसेस को एक्सप्लेन करूँगा। जब हम मैक्रो फोटोग्राफी या क्लोजअप फोटोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो हमारा कैमरा सब्जेक्ट के बहुत पास होता है, क्योंकि सब्जेक्ट का साइज़ बहुत छोटा होता है। तो इस सिचुएशन में हमारी डेप्थ ऑफ फील्ड जो रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है। अगर हम F22 या F16 पे भी फोटो क्लिक करेंगे तब भी हमारा सब्जेक्ट पूरा शार्प नहीं रहता, कुछ सब्जेक्ट का पार्ट फोकस में रहता है और काफ़ी पार्ट आउट ऑफ फोकस हो जाता है। जब हम बहुत छोटे ऑब्जेक्ट्स की फ़ोटो क्लिक करते हैं तो डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाती है, हमारा कैमरा सब्जेक्ट के बहुत पास होता है। पर हमें अगर सब्जेक्ट में पूरी शार्पनेस चाहिए तो हम फोकस स्टैकिंग को यूज़ करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेटअप है, इसके अंदर ये बहुत छोटा सा मैंने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये करीब 1 इंच के साइज़ का है। अगर मैं इसकी F22 पे भी पिक्चर क्लिक करूँगा तो एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ पोर्शन आगे का शार्प रहेगा और कुछ पोर्शन पीछे का अनशार्प रहेगा। तो इसके लिए हमें फोकस स्टैकिंग को यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। डिफरेंट फोकस पॉइंट्स पे फोटोग्राफ क्लिक करने के लिए हमें मैक्रो फोकसिंग रेल की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हम कैमरा को आगे पीछे मूव कर सकते हैं और फोकस अलग अलग फोकस पॉइंट्स पे फोटोग्राफ ले सकते हैं। बट ये जो प्रोसेस है ये थोड़ा सा कम्बरसम है, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कैनन की नई जो EOS R सीरीज आई है इसमें उन्होंने ये एक फीचर इंट्रोड्यूस किया है कैमरा में फोकस ब्रैकेटिंग का। इसमें आप अपनी सेटिंग्स कर सकते हैं और एक बार आप कैमरा का शटर बटन प्रेस करेंगे तो कैमरा अपने आप मल्टीपल शॉट्स लेगा अलग अलग फोकस पॉइंट्स पर। फोकस ब्रैकेटिंग का ऑप्शन कैनन EOS RP में है और जो नए अभी कैमरा लॉन्च हुए हैं EOS R5 एंड R6। आपको सिर्फ कैमरा के मेन्यू में जाके कैमरा में फोकस ब्रैकेटिंग का ऑप्शन इनेबल करना है। इसमें आप जो पहला पॉइंट चूज करेंगे, जो सब्जेक्ट के अंदर जो पहला पॉइंट है, वो सब्जेक्ट के जो सबसे पास वाला पॉइंट है वो आप चूज कर लेंगे। उसके बाद कैमरा अपने आप पॉइंट्स को चूज करेगा और फोकसिंग करके आपको मल्टीपल शॉट्स दे देगा। अभी मैं इस छोटे ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफ क्लिक करूंगा जिसको मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ। कैनन EOS R6 कैमरा मेरे कैमरा ट्राइपॉड के ऊपर माउंटेड है और यहाँ मेरा लाइटिंग सेटअप भी रेडी है। इस लाइटिंग सेटअप के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो को देखिए, लाइटिंग सेटअप हैक्स। अभी मैं कैमरा के शूटिंग मेन्यू में हूँ जहाँ पर मैंने फोकस ब्रैकेटिंग को एनेबल कर दिया है। यहाँ पर ऑप्शन है नंबर ऑफ शॉट्स, नंबर ऑफ फोटोग्राफ्स चूज करने का और हर फोटोग्राफ के बीच में कितना डिस्टेंस होना चाहिए वो भी आप चूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट का जो क्लोजेस्ट पॉइंट है वो पहला पॉइंट फोकस चूज कर लिया है और नंबर ऑफ शॉट्स मैंने चूज किए हैं 40। मेरा कैमरा टाइमर मोड पे है, 10 सेकंड के बाद फोटोग्राफ क्लिक करना शुरू हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि जब फोटोग्राफ्स क्लिक हो रही हैं तो नंबर जो है 40 वो कम होता जा रहा है, 40, 39, 38 उस तरह से।
आपको सिर्फ कैमरा मेन्यू में जाके फोकस ब्रैकेटिंग को एनेबल करना है। इसमें आपको चॉइसेस मिलेंगी, नंबर ऑफ शॉट्स, कितनी फोटोग्राफ्स चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए इतने एक फोकस पॉइंट तो दूसरे फोकस पॉइंट के अंदर, बाकी काम कैमरा करेगा। आपको सिर्फ जो सब्जेक्ट का क्लोजेस्ट पॉइंट है कैमरा के वो चूज करना है और उसके बाद कैमरा मल्टीपल शॉट्स ले लेगा जिनको आपको अपने कंप्यूटर में जाके मर्ज करना है। जब हम छोटे अपर्चर पे काम करते हैं F11 से कम, जैसे F16, F22, F32, तो डिफ्रैक्शन होता है। उस डिफ्रैक्शन की वजह से हमारी इमेज में सॉफ्टनेस आती है और ये तब नोट आप करेंगे जब पिक्चर को आप 100% एनलार्ज करेंगे, तो पिक्चर में आप नोट करोगे कि ओवरऑल जो पिक्चर है उसमें शार्पनेस की थोड़ी सी कमी हो जाती है, इमेज थोड़ी सॉफ्ट लगती है। जब हमें परफेक्ट बोका चाहिए होता है तो हम एक वाइड अपर्चर यूज करते हैं, जैसे F1.2, F1.4, F1.8, F2। यदि हम अपर्चर को कम करते हैं, F8, F16 या F22 करते हैं, तो बोका जो है वो उसकी शेप चेंज हो जाती है। हमारी कॉम्पोजिशन में अगर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है और हमें अच्छा बोका चाहिए, तो F1.2 यूज़ करने में एक प्रोडक्ट हो सकता है शार्प हो और एक प्रोडक्ट आउट ऑफ फोकस हो सकता है। तो वहाँ पर हमें फोकस ट्रैकिंग की हेल्प से दोनों प्रोडक्ट्स को हम शार्प कर सकते हैं और बोका भी अचीव कर सकते हैं, एक अच्छा बोका भी हमारा आ सकता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं फोकस ट्रैकिंग से रिलेटेड, कृपया कमेंट्स में नीचे लिखिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।